सो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने म्यूजिक करियर को लेके बहुत सीरियस है और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। सो स्वागत है गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे एनीबॉडी कैन मिक्स में, जिसमें कि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग स्केल्स कैसे बनाएंगे। स्केल क्या होता है? एक तरीके का घर होता है म्यूजिक में, जहाँ से हम लोग कॉर्ड निकाल सकते हैं, उस नोट से, उस घर से हम लोग कॉर्ड निकाल सकते हैं। तो मेरे को पता है इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये म्यूज़िक थ्योरी है, ये प्रॉपर म्यूज़िक का थ्योरी है, लोग इसको सीखेंगे नहीं। जो म्यूज़िक को लेके सीरियस है बस वही लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आप लोग म्यूज़िक को लेके बहुत सीरियस है। भाई आप लोग आगे अब बढ़ोगे, पक्का बढ़ोगे, मैं ये वादा करता हूँ। तो भाई बिना वीडियो को स्किप किए शुरू कर दो और आगे बढ़ो। सबसे पहले प्लस में जाएंगे, फिर हम लोग चूज़ करेंगे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। तो एकदम ध्यान से, एकदम ठहराव से, बहुत आराम से सुनिएगा आज का ट्यूटोरियल, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है पूरे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है किसी भी तरीके से। मिलेगा बट कंप्यूटर म्यूज़िक प्रोडक्शन में, फ़ोन पे नहीं। ओके तो एकदम ध्यान से समझना है, नहीं समझ आएगा उसको रिपीट करके देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख जाते हैं तो आपका डैम श्योर करियर बहुत ईजी हो जाएगा म्यूज़िक प्रोडक्शन में। तो हम लोग पियानो रोल में चले जाते हैं सबसे पहले। पियानो रोल यहाँ पे आ गया है, पियानो रोल साइड में अपडेट होने के बाद। नाउ स्केल्स मैंने क्या बताया, एक तरीके का घर होता है सात नोट का। ओके सात नोट जैसे कैसे होते हैं हमारे, साढ़े गामा प ध नि सा, तो सी से सा, रे ग म प ध नि सा। तो ये कैसे निकला, ये सात नोट निकला कैसे? तो एक फॉर्मूला होता है, दो तरीके के स्केल होते हैं, बेसिकली होते तो बहुत सारे हैं बट दो तरीके के मेन स्केल्स होते हैं। पहला मेजर स्केल, दूसरा माइनर स्केल। आई नो ये थोड़ा साउंड कर रहा है ए मेजर स्केल की तरह और माइनर कॉर्ड की तरह, आई मीन माइनर और मेजर कॉर्ड की तरह, बट भाई ये अलग है। ये घर है, वो रूम था, कॉर्ड जो होता है वो रूम होता है उस घर का, घर है ये स्केल्स। अगर आप स्केल्स नहीं जानते हो तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको म्यूज़िक बनाने में। ओके बहुत मुश्किलें आएगी आपको म्यूज़िक बनाने में, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो फार्मूला क्या है पहले ये समझ लेते हैं, किसी भी मेजर स्केल को निकालने का फार्मूला सबसे पहले देख लीजिए गूगल पे, मैं दिखाता हूँ, मैं खुद से नहीं बोलूँगा, आज आपको दिखा के बोलूँगा कि गूगल क्या बोलता है। तो मेजर स्केल फार्मूला, ओके आ गया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है WWH। भाई ये अब क्या है, तो W का मतलब होल टोन है, H का मतलब हाफ टोन है। ओके तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एकदम स्थिर दिमाग से आप लोग भी सुनिएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते C को, यहाँ पे C, ओके देन C के बाद आता है D, सॉरी C के बाद आता है D, ओके बट ये कैसे आया? ये मेजर स्केल का फॉर्मूला यही है, मैं दिखाता हूँ आपको, पहले समझिएगा ध्यान से। इसको सीखने के पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये होल टोन और हाफ टोन क्या होता है। तो बेसिकली मान लीजिए सी के बाद जब हम डायरेक्ट सी शार्प पे जाएंगे तब ये कहलाएगा हाफ टोन, लेकिन अगर हम लोग एक नोट को इसको छोड़ के अगर ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे तब ये कहलाएगा होल टोन। नहीं समझ आया? फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं सी, ओके सी के बाद आता है क्या, सी शार्प, ठीक है? तो सी से जब ये सी शार्प पे गया डायरेक्ट बिना किसी नोट को स्किप किए तो इसका मतलब ये कहला जाएगा हाफ टोन, ओके। लेकिन 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 भाइयों, अगर मान लीजिए ये सी शार्प पे नहीं जाके डायरेक्ट डी पे चला गया तो यहाँ पे तो ये नोट छूट गया एक बीच में, तो जैसे ही ये सी से डायरेक्ट डी पे जाता है एक नोट को छोड़ते हुए तब ये क्या कहला जाएगा, होल टोन या तो फुल टोन, ओके। तो इस तरीके से होता है हाफ टोन और होल टोन, ओके। तो लेट सी दी फॉर्मूला, आज हम लोग जो इसका स्केल निकालेंगे उसका निकालेंगे सी का, सी मेजर स्केल पहले निकालते हैं। तो इसका तरीका क्या है, हम लोग गए गूगल पे सर्च कर लिए फार्मूला ऑफ मेजर स्केल, मेजर स्केल फार्मूला। तो इसमें क्या है, दो होल टोन है, एक हाफ टोन है, तीन होल टोन है, फिर एक हाफ टोन है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो भाई मान लीजिए अगर आपको कोई बोलेगा सी मेजर स्केल निकाल के दिखाओ, ठीक है भाई लीजिए, तो सी मेजर स्केल निकालने के लिए तो सी मेजर स्केल का रूट नोट क्या हो गया, सी सी, ओके रूट नोट। फिर उसके बाद से फार्मूला शुरू होगा, पहले सी पे रख देंगे उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, होल टोन, यहाँ डब्लू डब्लू लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए डब्लू है ना यहाँ पे डब्लू, देन सबसे पहले डब्लू आएगा। तो डब्लू कैसे होगा,
सी से सी शार्प पे जाना है, लेकिन यहाँ रखना नहीं है, डी पे रख देना है, एक नोट को स्किप कर देना है, तब ये पहला होल टोन हो गया डब्लू, फिर एक होल टोन, उसके बाद क्या है, फिर से होल टोन, फिर हाफ टोन। तो एक बार फिर से होल टोन कर लेते हैं, क्या है, होल टोन ये होगा, डी के बाद डी शार्प होगा होल टोन, नहीं ये भाई ये हाफ टोन होगा, तो डी के जगह, सॉरी डी शार्प की जगह हम लोग रखेंगे ई पे, तब ये कहलाएगा होल टोन। उसके बाद क्या है भाई, चलो दो होल टोन ले लिए, फिर क्या है, फिर एक हाफ टोन, तो हाफ टोन क्या हो गया भाई, ई से एफ शार्प, नहीं ई से एफ, यानी बिना किसी नोट को स्किप किए। चलो भाई अब और आगे बढ़ते हैं, हमने कितना होल टोन लगाया, तो दो होल टोन लगाया, एक हाफ टोन लगाया, तो डब्लू डब्लू एच लगा दिया हमने, अब तीन बार डब्लू लगाना है और एक बार एच, तो तीन बार होल टोन करेंगे, एफ से जाएंगे सीधे कहाँ, जी पे, एक होल टोन, फिर दो होल टोन, फिर तीन होल टोन, ठीक है, फिर एक हाफ टोन। तो ये अपना बन गया सी मेजर स्केल। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसका काम क्या है, आपने स्केल निकालना तो सिखा दिया, बट इसका काम क्या है, तो भाई ठहरो ठहरो, ये बहुत ज़रूरी है। कॉर्ड जो होता है ना, आप लोग सोचते हो ना कि मान लो ए माइनर कॉर्ड लगाया तो इसके बाद कौन सा कॉर्ड लगाए, तो यही है वो राज, यहीं से निकलता है। मान लीजिए हमने ए माइनर लगा लिया, ओके, ए माइनर ए ले लिया, फिर सी ले लिया, अब देखिए यहाँ ई यूज़ हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ई, तो ई हाँ हुआ यूज़, तो यहाँ से ई ले लिए, ठीक है। अब ए माइनर तो हम लोग निकाल दिए भाई, अब इसके बाद कौन सा कॉर्ड निकाले समझ ही नहीं आता आगे क्या करें, तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कोई भी एक नोट ले लेंगे, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ई को, यहाँ पे देखिए नोट ई है ना आया, ये मत लीजिएगा, जो नहीं आप लिए उसको नहीं लगाना, जो यहाँ लगा हुआ है उसी को लगाना है, ई। अभी ई के बाद क्या होगा, मेजर या माइनर होगा, तो जीरो वन टू थ्री, क्या ये है, नहीं नहीं है, तो फिर फोर देखेंगे, ट्राई जीरो वन टू थ्री, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, हाँ जी है यहाँ पे, जीरो वन टू थ्री, फिर फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी कि ए माइनर में आप उसके बाद आप लगा सकते हैं ई माइनर भी, है ना, सी मेजर कॉर्ड में ए माइनर भी लगेगा और ई माइनर भी लगेगा। तो भाई ऐसे निकलता है कॉर्ड, स्केल्स का बहुत काम है। आई नो आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में, बट आप इसे रिपीट करके देखिए, क्योंकि अगर आप इसको सीख जाइएगा तो पूरा म्यूज़िक प्रोडक्शन आपका भाई, यहाँ से फिर आपको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं म्यूज़िक कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो ये तो मेजर फार्मूला था, अब चलिए माइनर फार्मूला देख लेते कैसे होगा। तो माइनर फार्मूला के लिए क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे यहाँ पे, बस लिख देंगे मेजर स्केल की जगह माइनर स्केल फार्मूला। तो इसमें क्या है, डब्लू एच डब्लू डब्लू एच डब्लू डब्लू, यानी होल टोन हाफ टोन, होल टोन होल टोन हाफ टोन, होल टोन होल टोन। चलिए बनाते हैं एक बार, स्किप मत करिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत मैंने सोच समझ के ये वीडियो डाला है कि आप, आई नो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, माफ़ करिएगा, ये बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा, बट लेकिन ये अगर आप सीख जाएंगे ना तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक ना एक दिन तो सीखना ये पड़ेगा ही, तो आज ही सीख जाइए, कल का क्यों वेट करना है, है ना। तो अब क्या करेंगे, डब्लू एच यानी एक होल टोन लगाएंगे, एक हाफ टोन लगाएंगे, तो होल टोन लगाने के पहले मान लीजिए कि हम लोग लगाते हैं जी का या ए का, तो मान लीजिए कोई बोलेगा ए माइनर स्केल बनाओ, ध्यान से सुनेगा, ए माइनर स्केल कॉर्ड नहीं, ए माइनर स्केल, तब क्या करेंगे ए पे रख देंगे, ओके। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले ए माइनर स्केल का रूट नोट क्या था, ए है ना, उसके स्केल या कॉर्ड में ही नाम होता है उसका, ए, मान लीजिए ए माइनर कोई बोलेगा तो उसका रूट नोट ए है ना, तो ए पे लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, डब्लू एच डब्लू डब्लू एच डब्लू डब्लू, तो डब्लू एच लगा लेते पहले, तो होल टोन, ए को ए शार्प को छोड़ के बी पे जाएंगे होल टोन, फिर एक हाफ टोन, फिर और देख लेते भाई क्या है, फिर होल टोन होल टोन, फिर एक होल टोन, फिर एक को छोड़ दिए, फिर एक होल टोन, दो होल टोन, उसके बाद एक हाफ टोन, चलो भाई एक हाफ टोन ये हो गया, फिर होल टोन, एक दो यहाँ पे, फिर एक होल टोन है, एक दो यहाँ, तो इस तरीके से बन गया आपका स्केल्स।
तो माइनर भी बना लिए, मेजर भी बना लिए। बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, फिर रिपीट करके देखो, एक बार और रिपीट करके देखो, देखो तुम पक्का सीख ही जाओगे। और इसके बाद जो मज़ा आएगा ना म्यूज़िक बनाने में, भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो किस लेवल तक का म्यूज़िक बना सकते हो इसको सीखने के बाद। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्या होगा मेरे को नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।